हम पिछले 2 साल से हम आरोग में काम कर रहे हैं और आरोग में सर जी हमें आरोग में काम कर इसलिए बहुत अच्छा लगा है क्योंकि सर यहाँ इतनी समस्याएं आती थी गांव में, यहाँ कोई डॉक्टर वगैरह नहीं थे, ना ही कहीं आसपास सर जाने के लिए जतहरी, और जतहरी जाने के लिए भी साधन नहीं था, और इसीलिए गांव में इतनी समस्या होती रही। ओपीडी वाला कैंप चलता है, उस पर डॉक्टर यहाँ आते हैं बीच बीच में, और डॉक्टर आके यहाँ 1 या 2 घंटे ऐसे करीब बैठते हैं। हम गांव में जाकर सभी को बता देते हैं कि यहाँ इस दिन डॉक्टर आएंगे, आप लोग अपनी समस्या लेकर जा सकते हैं यहाँ पर। गांव में हम लोग जैसे आरोग्य के तहत हम लोगों को काम भी गर्भवती महिलाओं के साथ करना रहता है, हम गांव में जाकर गर्भवती महिला और किशोरियों के साथ काम करते हैं। हमें भी पहले वो समझ नहीं थी सर कि हम उनको क्या बताना, हमको तो पहले हम ट्रेनिंग दिया गया कि आप लोग को फील्ड क्षेत्र में जाकर क्या काम करना है, किसके साथ काम करना, हमें बताया गया कि आप लोग को गर्भवती शिशु और किशोरियों के साथ काम करना है क्योंकि मातृ मृत्यु दर यहाँ बहुत अधिक है। सर हम लोग जैसे फील्ड में क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा अगर केस निकल रहे हैं आँख या कोई भी चीज़, तो हम लोग 3, 4 या 5 गाँव के बीच में एक बड़ा सा कैंप करते हैं और उसमें सभी जगह हम लोगों को बताना रहता है कि यहाँ से डॉक्टर आएंगे, जो भी आपकी समस्या है आप लोग यहाँ रह के कह सकते हैं।